भाई आप सभी का इंस्पायर पे। सो अगर तुम फॉलो करते आ रहे हो लास्ट क्लास तक, तो हमारा पिछली क्लास में हमारा चैप्टर जो है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड खत्म हो चुका था। सो आज से हम लोगों को एक नया चैप्टर शुरू करना है, आज से हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है, वाइकेरियस लायबिलिटी का। डेफिनेटली तुमने ये टर्म सुना होगा, पर जैसा कि हमारा काम हर क्लास में रहता है, हर चीज को डिटेल में विद केस लॉ समझना। सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वाइकेरियस लायबिलिटी, और इसको इसके हर एस्पेक्ट को हम समझेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा, आगे के वीडियोस में 2 से 4 वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियोस देखना, क्योंकि कोई पॉइंट जो शायद तुम सर्च कर रहे हो टॉपिक से रिलेटेड, वो इसमें ना हो, नेक्स्ट पार्ट में हो या उसके नेक्स्ट पार्ट में हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, तुम सब कुछ कंप्लीटली देखोगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वाइकेरियस लायबिलिटी, देखो अगर एक बात बताओ, नॉर्मली क्या समझते हो, कोई टॉर्ट तुम करोगे या तुम मिस्टेक करोगे या तुमसे कुछ अपराध होगा या कुछ भी गलती तुमसे होगी, तो कौन लायबल होगा? तुम ना, तुम ही तो होगे। बट अगर मैं कहूं कि गलती तुम करो भुगते कोई और, भाई इससे बढ़िया क्या स्कीम होगी यार। सो दिस इज हियर, व्हेन अ पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सम अदर पर्सन, समझो लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर पर्सन, ऐसी सिचुएशन में वी से कि वाइकेरियस लायबिलिटी हो रही है। अच्छा नहीं आया समझ में सर, नहीं आया। कहां कहां यूज होता है, कब, मतलब कुछ तो सर प्रैक्टिकली बताओ, आपने थ्योरी से मतलब सेंटेंस बताया, समझ नहीं आया। देखो तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स कह लो या केसेस कह लो, जहां पर ये चीज प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या है, देखो जब हम बात करें मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट की, ठीक है, या फिर पार्टनर्स इन ए फर्म की, तो यहां पे कई दफा नहीं ज्यादातर ऐसा होता है कि एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी होती है, सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर की लायबिलिटी होती है, और एक पार्टनर के द्वारा किए गए एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होता है, ठीक है सर। सो कॉमन एग्जांपल्स, प्रिंसिपल एजेंट, मास्टर सर्वेंट, पार्टनर्स फॉर ईच अदर्स एक्ट, समझ में आ रहा है क्यों कह रहा था ये बात, ठीक है। सो अच्छा सर एक बात बताओ, तो फिर मतलब मास्टर जो है वो तो फिर बड़ा दिक्कत में, मान लीजिए सर्वेंट तो कभी भी कुछ भी गलत करेगा तो मास्टर को तो दिक्कत है, एजेंट कुछ भी गलत करेगा तो मास्टर लायबल हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं समझ आया। देखो प्रैक्टिकली सोचो, वी आर टॉकिंग अबाउट उस रिलेशनशिप की ना, उस मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की ना, तो वो कब फंक्शन कर रही होगी, जब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चल रहा होगा, यानी कि वो इंसान उसी के लिए काम कर रहा होगा। तो समझो व्हेन द पर्सन कमिट्स दैट टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन द लायबिलिटी अराइजेस। When the agent commits course of performance of duty, during the course of performance of duty में जब वो commit करता है कोई tort, because of the principal agent relationship, the liability of principal arises, ठीक है। So अब यहां पे एक बात बताओ, मैं तो कुछ और बताया कि एक इंसान जब कोई गलती करे तो वही तो liable होगा, यहां पे वो भी हो रहा है, तो अब तुम कहोगे क्या सर agent छूट जाता है, मतलब क्या agent की कोई गलती नहीं, मतलब टॉर्ट तो उसने किया था अल्टीमेटली। सो ऐसे देखो यहां पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि बोथ ऑफ देम आर जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। अच्छा सर जॉइंट टॉर्ट फीजर्स अगर नहीं जानते हो भाई तो वीडियो देख के आओ, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स की लायबिलिटी कैसी होती है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में को बताओ कि व्हेन दे आर जॉइंट टॉर्ट फीजर्स तो उनकी लायबिलिटी कैसी होगी। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, क्वी फेस इट पर एलियम फेस इट पर से, यानी कि सर ही हु, नोट कर लो, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट बाय हिमसेल्फ, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू बी डूइंग इट बाय हिमसेल्फ, समझे। अच्छा सर नहीं आया, देखो यार
इन रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, इनमें जो व्यक्ति है प्रिंसिपल है जैसे या मास्टर, वो क्या कर रहा है, वो सर्वेंट के थ्रू एजेंट के थ्रू वही तो काम करवा रहा है जो वो खुद करना चाहता है या फिर वो अपने बेनिफिट के लिए कोई काम करवा रहा है ना, यही तो होता है, अदरवाइज कोई एम्प्लॉयमेंट पे क्यों रखा जाता है, ठीक है ना। तो अब जब ऐसा हो कि कोई व्यक्ति अपने बेनिफिट के लिए या अपने अपने एजेंट के थ्रू काम कराए या किसी और इंसान के थ्रू काम कराए, तो ऐसा माना जाता है कि वो काम उसने स्वयं किया। तो अब अगर वो काम उसने स्वयं किया तो उस काम को करते दौरान जो टॉट कमिट हुआ वो भी तो उसने स्वयं किया, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैगजीन इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आई चलो कहानियों की बात, किसकी, केसेस की। सो लेट्स टू टेक टू इंपॉर्टेंट केसेस, हम लोग यहां पे दो एक कॉन्सेप्ट को दो केसेस के थ्रू समझेंगे। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो बात मैं बताया था ना, उसको इन दो केसेस कहानी सुन लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें लॉयड वर्सेस ग्रेट्स स्मिथ एंड कंपनी, देखो यहां पे क्या होता है कि इन साहब पे, लॉयड साहब पे दो घर टाइप के मान लो दो चीजें हैं, ठीक है, दो बिल्डिंग्स है मान लीजिए, है ना। अब इनको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये क्या है, ये एक कंपनी है सॉलिसिटर्स की, ठीक है। सो ये इनके पास लॉयड साहब जो है ग्रेट्स स्मिथ एंड कंपनी के पास पहुंचते, इनसे कहते हैं साहब देखो मुझे नहीं हो रहा है प्रॉफिट, नाउ टेल मी मैं क्या करूं अपने इस, मतलब अपने इस रियल एस्टेट का, अपनी इस बिल्डिंग का क्या करूं मैं, देखो। सो यहां पे जो इनका एजेंट होता है, यानी कि जो इसमें एक बंदा जो काम कर रहा होता है, जो सॉलिसिटर कह सकते हो, जो वहां पे काम कर रहा होता है, वो कहता है कि साहब देखो ऐसा है, आप इसको बेच दो अपनी जो दोनों बिल्ड है ना, और अपने इस इन्वेस्टमेंट को कहीं और करो, इस पैसे को कहीं और लगाओ। क्या होगा ना कि आप यहां पे कुछ खास फायदा नहीं कमा पाओगे, ऐसे ऐसे उसने स्कीम समझाई, ठीक है। तो ठीक है, हाँ सुन बहुत बढ़िया आप बता रहे हो, ठीक है हम पैसा कहीं और से कमा लेंगे, हमको क्या, हमको तो प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है बात आई। अब बात उसने क्या किया, जो सेल डीड प्रिपेयर करी ना, जो सेल डीड प्रिपेयर करी उसने अपने नाम पे कर ली गिफ्ट डीड के तौर पे। यहां पे सेल डीड गिफ्ट डीड क्या, देखो डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू सेल होनी थी वो प्रिपेयर करने के बजाय उसने एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी खुद को गिफ्ट करवा ली उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। नाउ समझ में आ रहा है यहां पे क्या किया इस इंसान ने, फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया, ठीक है। ये क्या था, ये ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का एक एजेंट ही तो था। अब यहां पे इसको लायबल ना ठहराने के बजाय ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी पे केस पहुंच गया, इन पे वाई केस लायबिलिटी लगी, क्यों लगी साहब, बिकॉज ऑफ दिस एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, गॉट इट। नाउ एसबीआई वर्सेस श्यामा देवी, यहां पे क्या होता है, श्यामा देवी एसबीआई में काम करते अपने एक दोस्त से कहती हैं कि देखो यार ऐसा है, ये कुछ पैसा है इसको डिपॉजिट कर देना, बहुत बढ़िया, ठीक। अब ये साहब ना इसको एसबीआई के द्वारा कोई रिसिप्ट देते हैं, ना कोई और डॉक्यूमेंट देते हैं जिसके थ्रू कंफर्मेशन हो जाए रिसीविंग का, ठीक है, और उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करके अपने फायदे में यूज कर लेते हैं। अब यहां पे बताओ एसबीआई लायबल होगा कि नहीं होगा, टेल मी एसबीआई लायबल होगा कि नहीं होगा। द आंसर इज एसबीआई को लायबल नहीं ठहराया गया, क्यों, क्यों, बिकॉज श्यामा देवी ने जो ये दिए पैसे वो उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिए एज ए फ्रेंड, और एम्प्लॉयर ने जो पैसे लिए ही टुक इट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट एज एन एम्प्लॉयर। शब्दों को ध्यान से सुनो, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट एज एम्प्लॉयर, दैट इज वाई एसबीआई वॉज नॉट हेल्ड लायबल, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो हम लोगों ने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को दो मस्ट केसेस से समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर एजेंसी की बात करें तो एक छोटा सा मतलब एक इंटरेस्टिंग बात लगी थी, मेरे को लगा बताना चाहिए। देखो यार ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा, ठीक है, कि चलो तुम भैया मेरे एजेंट, ठीक, तुम मेरे नौकर सर्वेंट, अब तुम ये काम करो, नहीं ऐसा नहीं है। हर कई दफा मतलब बहुत सिंपल से एक बात से भी आप एक एजेंट को नियुक्त कर सकते हैं, कैसे,
देखो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार गाड़ी तू चला मेरी, थक गया। अब मेरे दोस्त ने वो गाड़ी चलाते दौरान नेग्लिजेंटली एक्ट करते हुए एक्सीडेंट कर दिया। अब बताओ वो लायबल होगा कि मैं? सो हियर कम्स द केस ऑफ ऑमरोड वर्सेस क्रॉसवेल मोटर सर्विसेज लिमिटेड। सेम हुआ कहानी, बिल्कुल सेम। इवन अ फ्रेंड ड्राइविंग माई कार कैन बी एक्टेड एज अ कैन बी माई एजेंट। सो इफ ही कैन बी माई एजेंट देन आई कैन बी लायबल फॉर हिज नेग्लिजेंट एक्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। बात कर रहे हैं पार्टनर्स की, पार्टनर्स इन द फर्म। अब देखो एक बात समझाता हूं, एक केस समझाता हूं, कहानी समझो। देखो एक पार्टनर में दो लोग, एक ने अपने बिजनेस के बढ़ने के लिए क्या किया कि प्लेंटिव जो यहां पे था, प्लेंटिव जो था उसके क्लर्क को ब्राइबरी दी। क्यों? फॉर इंड्यूसिंग ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर इंड्यूसिंग ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से इनकी फर्म को फायदा होगा। अब मुझे बताओ जो दूसरे पार्टनर ने ये ब्राइबरी दी, ये किसी ना किसी से कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड थी? उसका पर्सनल कोई काम तो नहीं था? कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड थी अगर, तो अब मैं जब तुमसे कह रहा हूं कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट, सो इफ द पर्सन हु इज ब्राइबिंग इज एक्टिंग एज एन एजेंट, तो जो अदर पार्टनर होगा वो किस तरह से एक्ट करेगा? सोचो, ही एक्ट एज अ प्रिंसिपल, सो लायबिलिटी दोनों की अराइज होगी। बात समझ में आ रही है? इवन दो उसका कोई मतलब नहीं था। समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द केस ऑफ हैमिल वर्सेस ह्यूस्टन एंड कंपनी, जो मैंने तुमको अभी कहानी सुनाई। अच्छा सर ठीक है, सर्वेंट मैं तुमको बताऊं, तुम देखो लेक्चर किसका फ्लो समझो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट पार्टनर्स का रिलेशनशिप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वेंट का रिलेशनशिप विद हिज मास्टर। नाउ अगर हम बात करें सर्वेंट के रिलेशनशिप की, तो यहां पे भी सेम चीज, फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द सर्वेंट द मास्टर विल बी लायबल। अच्छा ठीक है, यहां पे एक मैक्सिम आती है कि रिस्पॉन्डियट सुपीरियर, यानी कि मास्टर जो होगा वो लायबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। द रिस्पॉन्डियट सुपीरियर जो मैक्सिम है उसका तुम लिखोगे लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। क्यों? क्यों? देखो एक बात समझने की कोशिश करो, जो मास्टर है मोस्टली उसकी सिचुएशन बेटर होगी सर्वेंट से, ऑब्वियसली, मोस्टली ऑब्वियसली होगी। सो सपोजिंगली वट एवर विल बी द कंपनसेशन विच हैज टू बी पेड टू द प्लेंटिव अगेंस्ट हुम द टॉर्ट हैज बीन कमिटेड, तुम मुझे बताओ हु विल बी मोर सफिशियंट और मोर कॉम्पिटेंट टू गिव दैट कंपनसेशन? ऑब्वियसली मास्टर। तो अगर ऐसा है और मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, सर्वेंट काम किसका कर रहा था? मास्टर का ही है ना, किसमें कर रहा था? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही। सो व्हाई नॉट लेट द मास्टर बी लायबल? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मास्टर इज हैविंग अ बेटर पोजीशन, आल्सो एबिलिटी टू पास द लायबिलिटी थ्रू इंश्योरेंस। देखो अगर एक गाड़ी है मान लीजिए, उस गाड़ी का इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस का पैसा कौन निकलवा सकता है? मास्टर। सो ही कैन पास ऑन दैट लाइबिलिटी फॉर द इंश्योरेंस ऑल्सो, है ना। तो ये भी कैपेसिटी है, डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन रेस्पेक्टिव केसेस एंड सर्टेन रेस्पेक्टिव फैक्ट्स। वो चीज हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट विच इज टू बी कंसिडर्ड कि हम लोग मास्टर की लाइबिलिटी क्यों मानते हैं। सो ये चीज हम लोगों ने समझ ली। अच्छा मास्टर सर्वेंट एजेंट पर प्रिंसिपल, सर सर्वेंट क्या होता है? सर्वेंट ये है, देखो यार इफ समवन इज एम्प्लॉयड बाय अनदर पर्सन एंड ही हैज टू डू द एक्ट्स अंडर द कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द मास्टर, देन ही इज सेड टू बी सर्वेंट। ठीक है। अच्छा सर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्वेंट में भी कोई अंतर होता है? तो हाँ होता है,
एक्साइटेड मत हो, आई विल टेल यू। इस वीडियो को यहीं होल्ड लगाते हैं, अगली वीडियो में लौट के आओ, टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत लंबी हो जाएगी, तुमको मजा नहीं आएगा, ठीक है? सो अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना।